क्या आप पहचान सकते हैं ये कौन से चीज़ के चिप्स है? ध्यान से देख के बताइएगा। हे फ्रेंड, मैं हूं रूपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर क्राउंड रेसिपीज। तो आज हमने बनाए हैं स्वीट पोटैटो चिप्स, जी हाँ, जो कि बहुत ही आसान है और टेस्टी लगते हैं खाने में। इसको आप 15 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं और आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए है ये स्वीट पोटैटो, इस पर थोड़ी सी इस तरह से मिट्टी लगी है, तो हम इसको थोड़ा सा पानी से धो लेंगे पहले। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से पानी से धो लिया है, फिर भी इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो ऊपर के कवर है उसको निकाल देंगे, और जैसे ही हम इसके ऊपर के कवर को पील ऑफ करेंगे, तुरंत इसको पानी में डाल देना है। बिल्कुल भी वक्त नहीं वेस्ट करना है, जल्दी से इसको पानी में डाल देना है। और जब भी आपको चिप्स बनाने होते हैं, तो ये जो स्वीट पोटैटो है, इसका जो शेप होता है बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो थोड़े से सीधे वाले ही लाइए, ताकि आपको इसको पील ऑफ करने में आसानी हो। और अगर थोड़ा बहुत उसके ऊपर रह जाता है, तो इस तरह से छुरी से निकाल दें, ताकि चिप्स जो है अच्छे से प्लेन दिखेंगे। इसी तरह से हम इन सारे स्वीट पोटैटोज़ के कवर निकाल देते हैं और इसको पानी में डाल देते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि सही रेसिपी पता चले। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही इसका टेम्परेचर अच्छा सा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने जो ये शक्करकंदी पानी में डाली है, इसको अच्छे से रुमाल से पोंछ लेना है, ताकि इसका ऊपर का पानी निकल जाए। और इस तरह से ग्रेटर से डायरेक्टली इसमें ही हमको चिप्स बना के डाल देने हैं। पहले हम चेक करेंगे ऑयल का टेम्परेचर, और इस तरह से इसमें सारे चिप्स डाल देंगे। लास्ट में ध्यान से इसको ग्रेट कीजिएगा, नहीं तो हाथों में लग जाएगा। और ये देखिए, ये धीरे धीरे से ऊपर आ रहे हैं। इसको चलाते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक इसमें जो बबल्स आ रहे हैं वो कम नहीं हो जाते, तब तक इसको फ्राई करना है। और जैसे ही ये इस तरह से हल्का सा रंग बदलने लगेगा, तो इसको निकाल लेना है। इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे, उसके बाद में भी इसमें थोड़ी सी फ्राइंग प्रोसेस होती रहती है, इसलिए इसको पहले ही निकाल लेना है, नहीं तो इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये देखिए कैसे कलर बदल रहा है अभी भी। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि चिप्स को कैसे निकालना है। अगर ऑयल का टेम्परेचर आपको ज़्यादा लगता है, तो गैस की फ्लेम लो कर दे या फिर गैस को बंद कर दे। और अगर आपको हाथों में इसकी गर्मी लग रही है, तो इस तरह से ऊपर पकड़े ग्रेटर को, ताकि हाथों में गर्मी ना आए। और इसी तरह से सारे चिप्स को हमने फ्राई कर लेना है। इस तरह से देखिए कितने बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं। जब ये सारे फ्राई हो जाएंगे, तो इसको हमने इस तरह से बाउल में निकाल लिया है। मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले नमक, फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसलिए ये ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपकी रेगुलर वाली है, तो आप अपने हिसाब से तीखा ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप इसे व्रत के लिए नहीं बना रहे, तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इसमें इससे भी बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। तो आज हमने बनाए हैं स्वीट पोटैटो चिप्स रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है और आप इसे 15 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल आर क्राउंड रेसिपीज़। तो फिर मिलेंगे इस शुक्रवार ऐसी ही और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू माई फ्रेंड।